ये कायदीन हदायत देते हुए कि यहाँ कहाँ से वापस आना है। ये इजारे तशक्कुर रैली इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानब से निकाली जा रही है, और इस वक्त हमारे साथ हाजी मोहब्बत खवान साहब और जुल्फकार अब्बासी साहब मौजूद हैं, जिनकी क़यादत में ये रैली निकाली जा रही है। और मैं पैगाम लेना चाहता हूँ इस मौके पे हाजी मोहब्बत अवान साहब का, कि वो क्या कहते हैं। जी हाजी साहब, आप क्या कहते हैं ये जो रैली निकाली जा रही है, ये आप क्या समझते हैं? अजारे तशक्कुर रैली का नाम दिया है आपने। जी जी, हमने इसको अजारे तशक्कुर के नाम से रैली निकाली है, क्योंकि अफ्तार तो हमारे पहले हो चुका है। हमारे काज शारिफ दुकान अब्बासी साहब ने आज से 2 साल पहले इसका इफ्तार कर दिया था। आज जो है हम मियाँ साहब के लिए ये शुक्रिया अदा करने के लिए अजारे की अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकली है, इतनी बड़ी तादाद में निकली है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर। मैं DSP मोटरवे पुलिस, इस इलाके को जो शाह मकसूद से मानसरा तक है इसको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो चूँकि ये इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो एक दरीना मसाइल थे यहाँ के ट्रांसपोर्ट के और रीच के, वो इस एक्सप्रेसवे ने दूर किए हैं। तो चूँकि ये काम जो है इस पर मुकम्मल तरीके से आप कहें कि 100% कम्प्लीट नहीं है, यहाँ जो स्पीड लिमिट है, तमाम लोगों को मैं साहब के चैनल की वसादत से ये बताऊंगा कि स्पीड लिमिट यहाँ पर 80 किलोमीटर फी घंटा होगी। बहुत एहतियात से लेन डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए, और आप इस अपॉर्चुनिटी से मैं ये भी फ़ायदा उठाऊंगा कि अगर मेरा मैसेज लोकल कम्युनिटीज तक जा सके कि इस एक्सप्रेस वे पर बराए मेहरबानी पैदल चलना, अपने बच्चों को छोड़ना ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, तो आप लोग हमारा साथ देंगे तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।